उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए गए 3 दिवसीय सेल्फी विद स्कूल अभियान सफल रहा, जिसके चलते इस अभियान को 11 और 12 जनवरी को भी जारी रखने का फैसला किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि इस अभियान में लोगों ने जर्जर हो चुके स्कूल की बदहाली की सेल्फी लेकर स्कूल की सच्चाई बयां की है। वहीं 15 जनवरी को आप जर्जर हो चुके स्कूल की प्रदर्शनी भी लगाएगी, जिससे कि जनता प्रदेश की शिक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की गंभीरता को समझ सके। सवाल है, देखिए दिल्ली की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली में भी स्कूल, जैसा कि आपने खुद भी कहा, मीडिया भी मानती है और देश दुनिया भी देखने आ रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत पहले से बहुत अच्छी हुई है। जब गवर्नमेंट आई थी दूसरी बार दूसरे टर्म में 2015 में, तब क्या हालात थी और आज क्या हालात है वो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन एक चीज और भी है कि कुछ स्कूल अभी भी MCD के पास है और तीनों की तीनों दिल्ली में जो नगर निगम है उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन स्कूलों में आज भी स्थिति जस की तस है, वहाँ हालात खराब है। उन स्कूलों के कारण और दूसरे स्कूलों के कारण भी कभी बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती है, कभी घटती है, ये लगातार कंटिन्यू में चलता रहता है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप स्कूल की स्थिति अच्छा ना करें। और जिस प्रकार की फोटोज हमारे पास आ रही है उत्तराखंड के स्कूलों की, आपको 15 जनवरी को 13 के 13 जिलों में हम प्रदर्शनी लगा के दिखाएंगे कि उत्तराखंड के स्कूलों की हालत कैसी है, कितने जर्जर हैं, क्या हालात हैं, शिक्षक और बच्चे अपनी जान पर खेलकर वहां कैसे पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दो बार यहां दौरा कर चुके हैं और शिक्षा की बदहाली, स्कूलों की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सेल्फी विद स्कूल, ये हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 8, 9 और 10 तारीख को, किंतु इसकी सफलता को देखते हुए जिस तरह से लगातार हमारे पास छोटे छोटे वीडियोस और हमारे पास फोटोग्राफ्स जनता से प्राप्त हो रहे हैं, जर्जर स्कूलों की हालत है, बहुत खराब स्थिति में स्कूल है, तो हमने इस अभियान को 11 और 12 दो दिन के लिए और बढ़ाया है ताकि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल की हमारे पास फोटो आ जाए। और उसके बाद 15 तारीख को आम आदमी पार्टी प्रत्येक जिले में 13 के 13 जिलों में इसकी प्रदर्शनी लगाएगी, जनता के सामने ये दिखाएगी प्रदर्शनी के द्वारा कि उत्तराखंड के स्कूलों की क्या स्थिति है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।